नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी योगा। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। प्राणायाम में कौन कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जो हमें बहुत फायदा पहुंचाते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं शीतकारी की। शीतकारी प्राणायाम को किस तरीके से किया जाए, कितनी देर तक किया जाए, आज मैं इसी की बात करने वाली हूँ। शीतकारी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आप आराम से वज्रासन, सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में बैठ जाइए। उसके बाद आपके दोनों हाथ चिन मुद्रा में रहेंगे, साथ ही आपकी कमर सीधी रहेगी, शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे, चेहरे पर एक प्लेजेंट स्माइल रहेगी। अब शीतकारी करने से पहले आप 2-3 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने मुंह से भी श्वास लेकर छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब हम शीतकारी करते हैं तो हम श्वास को अपने दांतों से दबाकर अंदर लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो ऐसे में वो प्रोसेस इजी हो जाता है। अब आपने 2-3 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट किया, अब शीतकारी करने के लिए आपके जो दोनों दांत हैं, दोनों जॉज हैं, अपर जॉ लोअर जॉ, वो आपस में चिपके रहेंगे, बंद रहेंगे। उसके बाद आपने ब्रीद इन करना है, जॉ से आपने सांस को अंदर लेना है, और जब आप ब्रीद इन करेंगे, श्वास अंदर भरेंगे, तो आपके जॉज ओपन नहीं होंगे, वो बंद ही रहेंगे ऐसे। तो ये है शीतकारी करने का सही और आसान तरीका। आप 2 से 5 मिनट तक शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं, और शीतकारी प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा ये कि आपके मन मस्तिष्क को शांत रखता है, ठंडक प्रदान करता है। जिन भी लोगों में पित्त की समस्या है या पित्त बढ़ जाता है, उनके पित्त की समस्या को दूर करता है, कंट्रोल करता है। आपके जबड़ों की हेल्थ के लिए, आपके जॉज की हेल्थ के लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। इसके अलावा इस प्राणायाम को उन लोगों को खासकर करना चाहिए जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, आप शीतकारी या शीतली प्राणायाम करेंगे तो आपका बीपी एकदम से स्टेबल हो जाएगा।